हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, तो आज मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लाया हूँ। मैं आप ऐसी वीडियो दिखाऊंगा जो ये इमरजेंसी लाइट होती है, इसके बारे में बताऊंगा कि जब भी लो इंडिकेशन देता है, जैसे पावर जाती है तो लो इंडिकेशन देता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बैटरी चेंज कर देते हैं, जल जाती है। ठीक है, अगर बैटरी चेंज करने के बाद भी लो इंडिकेशन आता है बैटरी लो का, तो अब क्या करोगे, इसी पे वीडियो है। पूरी वीडियो हमारी ध्यान से देखना। तो ऐसे से मैं आपके लिए वीडियो एनी टाइम लाता रहता हूँ। तो दोस्तों चलो अब हम शुरू करते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि लो इंडिकेशन बैटरी होता है, बैटरी चेंज करने के बाद भी एग्जिट लाइट या इमरजेंसी लाइट नहीं जलती है पावर जाने के बाद। तो दोस्तों वही ये लाइट है, इमरजेंसी लाइट, जो पावर जाने के बाद नहीं जलती। तो अभी तो फिलहाल ये इसको सप्लाई दी गई है और ये सप्लाई पे चल रही है। तो इसी पे वीडियो है कि जब पावर सप्लाई चली जाती है या बिजली चली जाती है तो एग्जिट लाइट नहीं जलती, लो बैटरी का इंडिकेशन आता है। पिछली वीडियो हमने बताया था कि लो इंडिकेशन आता है तो हम बैटरी चेंज कर देते हैं, लो इंडिकेशन हट जाता है। लेकिन इस वीडियो में बैटरी लो का इंडिकेशन आता है, बैटरी भी चेंज की जाती है और लो बैटरी का इंडिकेशन नहीं हटता है, मतलब कि लाइट नहीं जलती है। तो ये एग्जिट लाइट इमरजेंसी लाइट है, देख रहे हैं। तो इसी पे वीडियो है, चलो अब हम इसको इस इमरजेंसी लाइट को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। हम इस देखो, जैसे इसको हम जलाते हैं इंडिकेशन, इसका वायर निकाल रखा हूँ। अब हम इसको जैसे इसका बेड स्विच दबाते हैं और ये देखिए लो का इंडिकेशन आ रहा है, बैटरी लो का इंडिकेशन आता है। देखो जैसे हम इसको ऑन करते हैं, देखो यहाँ बिल्कुल हल्का जल रहा है और लो बैटरी का इंडिकेशन आ रहा है। और ऊपर की जो दो लाइट हैं, बीम लाइट हैं, वो नहीं जल रही हैं, यानी कि क्या ख़राब है। पहले तो हम लो बैटरी का अगर इंडिकेशन आता है तो बैटरी चेंज करेंगे इसकी। तो बैटरी चेंज करने के लिए हमें इसके पीछे साइड चलेंगे और ये जो लो इंडिकेशन है इसे हमें हटाना है। देख रहे हो अभी भी लो इंडिकेशन आ रहा है, तो इसको हम और घुमाएंगे। अब यहाँ पे चार पेच लगे हुए, इन चारों पेच को हमें खोल लेना है स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। तो दोस्तों ये वीडियो जो मैं बनाया हूँ इसमें फॉल्ट यही है कि इस इमरजेंसी लाइट में पावर जाती है तो लो बैटरी का इंडिकेशन आता है, लेकिन एग्जिट लाइट बिल्कुल हल्की सी जलती है और जो ऊपर दो लाइट हैं वो नहीं जलती और लो बैटरी का इंडिकेशन आता है। तो हम इसकी बैटरी को चेंज करेंगे। ये हम थिम्बल को निकाल लेते हैं कनेक्टर को और फिर यहाँ पे ये पेच है, इस पेच को खोलेंगे इधर से और ये बैटरी आराम से बाहर निकल जाएगी। चलिए दोस्तों हम इसकी बैटरी चेंज कर दिए हैं और अब हम इसको जला के देखेंगे। ये देखिए दोनों हम लगा दिए हैं, नई बैटरी लगा दिए हैं। अब फिर हम बेड स्विच को दबाते हैं, देखिए फिर अब क्या ये लाइट जली कि नहीं जली। तो ये फिर लो बैटरी इंडिकेशन आ रहा, देखिए हम इसमें नई बैटरी डाले फिर भी लो इंडिकेशन आ रहा, एग्जिट लाइट हल्की सी जल रही है लेकिन बीम लाइट नहीं जल रही है। देख रहे हैं लो बैटरी का इंडिकेशन आ रहा है ऑन, देखो लो बैटरी का इंडिकेशन चल रहा है
ऑफ कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम कार्ड को हम निकाल के उसका इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे ये कार्ड लगा हुआ है, ये देखिए। अब हम दूसरा कार्ड लगाते हैं, हम इस लाइट का कार्ड निकाल लिए हैं और ये देखिए इस पे लो बैटरी का इंडिकेशन आ रहा है इस कार्ड पे। इस कार्ड को हम दूसरी लाइट में लगा के चेक कर रहे हैं तो इसमें लो बैटरी का इंडिकेशन आता है। मतलब कि ये कार्ड खराब हो गया है। दूसरी लाइट पे भी जो हमारी इमरजेंसी लाइट रनिंग थी उस पर इस कार्ड को लगाए हैं तो ये कार्ड नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये कार्ड खराब हो गया है, 100% ये कार्ड खराब है, क्योंकि कार्ड लगाने के बाद ये लाइट जल जाती। अब ये कार्ड को हम निकाल लिए हैं और अब हम दूसरा कार्ड इसमें लगाएंगे, इस वाली लाइट में जिसमें पहले लगा हुआ था। हम इसमें एक दूसरा कार्ड चेंज करके फिर देखेंगे, पता चल जाएगा कि ये कार्ड बिल्कुल उस वाली लाइट में, दूसरी वाली लाइट में बिल्कुल सही था। चलो इस कार्ड का हम कनेक्शन कर देते हैं। तो कनेक्शन जैसे जहां का था वहीं पे आपको खोल के इसको लगाना है ठीक तरह से। और इसको भी इसके हम बैठा देंगे इस पर, इसको कनेक्टर पे, और ये आराम से, क्योंकि कनेक्टर एक हाथ नहीं बैठेगा, एक हाथ में हाँ ये बैठ गया। अब इसकी हम बैटरी का कनेक्शन कर देते हैं। ये तो कनेक्टर बैठ गया, अब रह गया बैटरी का। तो बैटरी का कनेक्टर जला हुआ है तो एक जो माइनस वाला तार लगा हुआ है कनेक्टर में ही, अब प्लस वाला तार बाहर है। ये माइनस का वायर एक लगा हुआ है, प्लस वाला तार जल गया है। तो हम इस कनेक्टर को लगा देंगे इस कार्ड में और रेड वाले वायर को हम सोल्डरिंग कर देंगे। चलो दोस्तों इनको सोल्डरिंग कर देते हैं। अब हम बैटरी लगाते हैं और एक बार इसको चेक करते हैं क्या अच्छा वाला कार्ड इस लाइट में जलता है। हम लाइट को ऑन कर देते हैं और इसमें हम प्लस की जगह इसको लगाते हैं। ये देखिए लाइट जल गई, एग्जिट लाइट। तो ये साबित हो गया कि 100% कार्ड ख़राब है। अब कार्ड में ख़राब क्या है इसको भी मैं आपको बताऊंगा। इसको बढ़िया से हम सोल्डरिंग कर देते हैं। सोल्डरिंग करके इस कार्ड को हम बांध देंगे। अब इस कार्ड में ख़राब क्या है वो भी आपको हम दिखाते हैं, बता देते हैं, ताकि आप कार्ड को रिपेयर कर ले आसानी से। देखिए सोल्डरिंग कर दिया हूँ, अब ये लाइट बिल्कुल जल रही बढ़िया से। ये देखिए इधर से घुमा देता हूँ, देखो दोनों लाइटें जलने लगी, दोनों लाइट जलने लगी, एग्जिट लाइट भी तेज हो गई देखो इस तरह से। तो वो कार्ड ख़राब था। कार्ड में इसमें जो खराबी हुई थी वो खराबी थी कॉइल की। इसमें एक कॉइल लगी होती है काली काली सी, जो 220 वोल्ट की सप्लाई होती है। जैसे बिजली पावर जाती है वैसे वो कॉइल कनेक्ट कर देती है। तो ये दिखा रहा हूँ अभी आपको हम, रिले जो है उसको रिले भी कहते हैं, कॉइल भी कहते हैं, सबके अलग अलग भाषा है। तो आपको जब भी ये कॉइल लाना पड़ेगा उसका वोल्टेज कितने वोल्ट का है, एसी कितना वोल्ट है, डीसी कितना वोल्ट है, इसी तरह से ये कॉइल आप ले लेंगे। ये देखिए ये वाली कॉइल ये ख़राब है,
ये ख़राब हो गई है, इसको चेक करना है आपको, इसको कंटिन्यूटी से चेक करेंगे। अगर दोनों चार पिन है, दो दो पिन की हैं, तो उस पर कंटिन्यूटी चेक करना है। अगर कंटिन्यूटी बताती है, समझ लो ठीक, एक तार यहाँ लगाना है और एक तार यहाँ लगाना है, ये तो ये कंटिन्यूटी बताएगा, एक तार इसमें लगाना है, एक तार इसमें लगाना है। हम आपको चलो स्क्रू ड्राइवर सहायता से मोटर, एक तार यहाँ लगाना है इसमें और एक तार इसमें, कंटिन्यूटी लगाना है एक इसमें और एक इसमें। अगर कंटिन्यूटी बोल जाती है तो समझ लेना ये रिले या कॉइल्स बिल्कुल सही है। और ये देखिए इसमें रिले लगी हुई, देख लो आपको दिखाता हूँ, ये लगी हुई रिले, और यही रिले ख़राब है। इसको हम आपको चेक करा के दिखा दिए हैं, जब ये ऐसे ख़राब होगी तो यही इंडिकेशन आएगा, तो आप इसको चेंज कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। अब देखो ये इसको हम बढ़िया से बना दिए, अब ये हमारी लाइट को वर्क करेगी। चलो इसके हम कनेक्शन वनेक्शन कर देते हैं, बढ़िया बैटरी लगा के ओके कर देते हैं। देखिए उसी बैटरी पे ये जल रही है लाइट, एकदम ओके हो गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आपके लिए ऐसी सी वीडियो लाते रहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि लो बैटरी का इंडिकेशन, बैटरी सही हो तो फिर अगर लो इंडिकेशन आता है तो आपको क्या करना है, ये वीडियो हम आपको बना के दिखा दिए हैं। देखिए लाइट बिल्कुल वर्क करने लगी है। तो इसी तरह आप हमारी वीडियो देखते रहें हमारे चैनल पे, और मैं आपके लिए एक नई 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 सी वीडियो लाता रहूँगा। तो ये एग्जिट लाइट, इमरजेंसी लाइट बिल्कुल सही हो गई है, ये तो इस लूज है इसीलिए ये नहीं जल रही है। तो इस प्रकार से आप भी इमरजेंसी लाइट बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।